कनेक्टेड पर मैं हूँ ब्लॉग में। सो गाइस आज है ध्रुव का बर्थडे और सबसे पहले ऑफ कोर्स मम्मी ने ध्रुव को बर्थडे विश किया होगा है उसके बाद दादी ने किया था, फिर मैंने, फिर पापा ने, पापा तो सो ही रहे थे, मामा ने, फिर चाची ने, फिर सबसे लास्ट में पापा ने। पापा ने गए नहीं, जैसे मौसी का भी मैसेज आया था सबसे लास्ट में पापा ने। हाँ मौसी ने मेरे से पहले विश किया था, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया था मौसी ने। और अभी हम लोग किचन दिए पार्टी, पार्टी नहीं ब्रेकफास्ट, पार्टी डोसा है, रोटी है, इस ये ब्रेकफास्ट है कि लंच ही है? मुझे तो लग रहा है लंच और डिनर सब एक साथ तुम लोग कर रहे हो। मेरा तो वही है क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया ना, मेरा तो डिनर सॉरी लंच ही समझो, इतना सब कुछ लेके बैठी हूँ। तो ये सब आज का जो नाश्ता है भाई ने करवाया। अच्छा भाई का तो तुमने बता दिया, और छोला कुलचा कौन मंगवाया? इडली और डोसा भाई ने मंगाया, और कुलचा जो है आपके भाई साहब ने मंगाया थी मेरे पति देव ने। तो सबसे अच्छा कौन सा है? कुलचा है ना, कुलचा ना बेटा। वैसे डोसा अच्छा है लेकिन अभी क्या है कि ठंडा हो गया डोसा, लेके तवा से निकाल तुरंत खाओ तो मजा आता है। ये अभी ढीला ढाला सा पतला पतला हो गया, ज्यादा टाइम हो गया, एक घंटे हो गए तो लूज तो हो गए। उधर देखो बर्थडे बॉय खड़ा हुआ है, पता नहीं किस जोंबे है वो। उदास है क्योंकि आज मम्मी ने इसको डांट दिया था किसी वजह से। भाई तो मैं डांटूंगी ना, इसका टेस्ट है, शाम को इसको टाइम नहीं मिलेगा, बिजी हो जाएगा अपने पार्टी में। तो अभी पढ़ ले, अपनी जगह है, टेस्ट अपनी जगह है, बस गिफ्ट के लिए रोता रहता है। अब वो वाला गिफ्ट पापा का दे रहे, अरे मम्मी पापा अलग अलग है क्या? अरे नहीं वो दोनों को गिफ्ट मंगा, 1,000 का, 1,000 का, मम्मी पापा आधा आधा दे रहे, पापा 500, मम्मी 500 हो गया। नहीं दे रही पापा ही दे रहे। वैसे इसका गिफ्ट के हम लोग गए थे बाहर निकले, गिफ्ट इसको पसंद नहीं है, जो इसको चाहिए वो ऑनलाइन मिल गया। चाहिए 3,000 का गिफ्ट, अब हम लोग इसको 3,000 गिफ्ट लाके दे, मेरे बर्थडे में तो मेरे को बस थोड़ा सा ही मिला, 4,000 4,000 का नहीं है। सो गाइज अभी शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे 5:30, और पूरी फैमिली अच्छे से नींद ले ली है कि पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी आलस सी आ रही थी, बहुत नींद आ रहा था, मैं सो गई और नीचे काम स्टार्ट हो गया। काम मतलब कि ध्रुव के बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो गई, आपके भाई साहब स्टार्ट कर दिए तैयारी करना, उनके साथ मेरा भाई है वो हेल्प कर रहा है, और पापा जी है और आयुषी है। और ध्रुव काफ़ी दिनों बाद आज बाहर निकला है खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। वैसे तो मैंने उसको मास्क पहना रखा है क्योंकि अभी भी थोड़ा सा डर लगता है, वो मास्क पहन के गया है खेलने के लिए, लेकिन अच्छा लग रहा है, बच्चा काफ़ी दिनों बाद बाहर निकला है खेलने के लिए। तो अभी मैं जाऊंगी नीचे फटाफट और किचन में देखूंगी आज क्या बनेगा। वैसे तो सबका मन है आज खाने का मटर पनीर, वैसे भी मैं पूछ लूँगी एक बार और कि क्या बनेगा, जैसे जो बोलेंगे वैसे मैं बनाऊँगी। फिलहाल तो अभी नीचे चलते हैं और नींद पूरी होने के बाद ना मन एकदम फ्रेश हो जाता है। वैसे मुझे ना लत सी लगी दोपहर में सोने की, आदत सी हो गई है, जब तक नहीं सोते ना तो लगता है कि सर भारी हो गया। तो अभी फटाफट चलते हैं नीचे और पीते हैं चाय, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर पनीर और फ्रोजन मटर आ गया है, आप देख सकते हो। मुझे लग ही रहा था कि सबका मन करे आज मटर पनीर खाने का, तो अभी मैं चाहती हूँ फटाफट इसको तैयार करने। सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय, और यहाँ पर रखी हुई है मेरी चाय ढककर, ये तो ठंडी हो चुकी है, इसको गर्म करना पड़ेगा। गाइस हॉल में चल रही है ध्रुव के बर्थडे की तैयारी, और इधर मम्मी बना रही है खाना, मटर इधर इतना सारा बैलून खुल गया, अभी और बाकी है, इतना अभी और बाकी है, ये भी बाकी है। तो
गाइस यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं ध्रुव की केक का ऑर्डर देने के लिए, और उसने बोला था चॉकलेट केक लाने के लिए, पर फिर बाद में हमने सोचा कि हम इसे एक ही जैसा क्यों लेकर आए, तो इस बार हमने मैंगो फ्लेवर मंगाया और उसका फेवरेट एवेंजर्स, उसको एवेंजर्स की मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस बार हम सोचे कि क्यों ना एवेंजर्स की पिक वाली लेकर जाएंगे। और ये वाला रहा उसका केक, बहुत ही ज़्यादा प्यारा केक है, आप देख सकते हो, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वैसे तो हमने इसको बताया नहीं था कि हमने कौन सा केक लाया है, उसको दिखाया भी नहीं, हम सोच रहे थे उसको हम सरप्राइज़ देंगे ताकि बच्चा खुश हो जाए। और यहाँ पे शाम हो चुकी है और अभी मैं ध्रुव को रेडी कर रही हूँ, और यहाँ पे आयुषी को भी मैं रेडी कर रही हूँ, दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद मैं भी खुद रेडी हो जाऊँगी। और आज मैंने और ईचा ने पहले डिसाइड कर लिया था कि केक कटिंग से पहले हम पहले सबके लिए खाना बनाकर रख देंगे ताकि इजी हो हमारे लिए, क्या हो जाता है कि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। गाइस मेरी बेटी मुझसे भी लंबी हो गई है, देखो बाप रे, तेरे बाल भी लंबा हो गए, ये भी लंबी होगी, इसका बाल भी लंबा हो गया। अच्छी बात है, बाल को देखो कम से कम कमर तक, बात उससे ज्यादा करूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद मैं आ गई हूँ खुद को तैयार करने के लिए, बस मैंने हल्का सा टचअप किया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, क्योंकि किचन में घुसने के बाद आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है, तो हल्का सा टचअप किया बस, उसके बाद मैं बाल बाल बनाई और एक सूट डाली, मुझे कम्फर्टेबल कपड़ा चाहिए था, साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने आज सूट डाल लिया। और अभी टाइम हो गया था 8:30, सब नीचे गुस्सा कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तुम दोनों जल्दी करो, तो फटाफट हम दोनों देवरानी जेठानी फटाफट रेडी हो गए, उसके बाद नीचे चले गए। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, यहाँ ध्रुव भी रेडी हो चुका है, दीदी नीचे वो भी रेडी हो गई, पापा बस रेडी होने वाले, पापा बोले अपने सिंपल वाले कपड़े में रहेंगे। ध्रुव हीरो लग रहा है, हीरो ये इसका फेवरेट कपड़ा है ना, और गाइस संजोग से ये और इसके दादाजी दोनों सेम कपड़े पहने, दादा और पोते ने एकदम, मतलब बस ये ऊपर का जो शर्ट है बस हम दोनों ने सेम सेम पहना है। अच्छा चलो अभी थोड़ा जा रहे फोटो क्लिक करवाने। और गाइस ये रहा एक लुक प्यारा सा बर्थडे बॉय का और उसके लिए किए हुए डेकोरेशन का, काफ़ी ज़्यादा बच्चा खुश था, खुश हो भी क्यों नहीं क्योंकि आज का दिन तो उसके लिए खास है ना, हम सबके लिए खास है। तो आप बताना कि ये छोटा मोटा सा डेकोरेशन आपको कैसा लगा, इसको आयुषी ने किया था उसका अपने पापा के साथ मिलकर अपने भाई के लिए। हाँ ध्रुव कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा, पता कर मेरे लास्ट यहाँ पे लंबा सा करना लंबा, और यहाँ पे अमित भी आ गया, ठीक है, रिचा भी आ गई है, और ये है ध्रुव के मामा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्रुव और ध्रुव के बाबा ने एक ही जैसा ड्रेस पहना है। हाँ, इसका केक कैसा आया और ये कैसे खुश होने वाला है? तो गाइस यहाँ पे केक अभी कटा नहीं, उससे पहले यहाँ पे केक फेंकने के स्टार्ट हो गया। ध्रुव तू कौन सा वाला खाएगा इसमें? आयरन मैन खाएगा। नहीं, दादी को मत गांडे का। अरे चाचा को नहीं खिलाया तू, कब से चाचा से तेरा वेट कर रहा है, चाचा वेट कर रहा है।
चलो क्या मेरे तो गिफ्ट केक टाइम आ गया डिनर कराने की। तो अब हम सब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के डिनर करेंगे और आज हमने बनाया था ध्रुव का फेवरेट मटर पनीर की सब्जी पूरी खीर। खीर मम्मी बनाई थी, मम्मी खीर बहुत अच्छा बनाती है कुकर में। तो हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के काफ़ी इंजॉय किए, मस्ती किए, खाना खाए, हंसी मजाक किए और बस ऐसे ही पार्टी चलता रहा हमारा काफ़ी देर तक। उसके बाद हम चले गए अपने अपने रूम में सोने के लिए। कपड़े चेंज करो, आज मुझे बहुत मजा आया, मैंने भर के खाना खाया, कल के लिए भी बचा के रखा हुआ खाना। कहाँ, पेट में? पेट में नहीं, फ्रिज में रखा है, बहुत सारे चॉकलेट अभी और चॉकलेट है उसको भी रखना है। और मैं सोची आपको इसका गिफ्ट दिखाऊंगी, इसने सारे ही खोल दिए, इसे सबर नाम का चीज नहीं इसके अंदर, सारे खोल दिए। खाने का मन करता है, मेरा पेट देख रहा खुल गया, तो मेरा पेट को गुड़गुड़ लगती है। वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब खाने वाली चीज तो नहीं देखोगे, ये खोल के आ रहा, खा भी गया है, बाकी किसने कपड़ा दिया किसने कुछ दिया है तो वो चीज मैं दिखाऊंगी। और मेरा और खुल भी गया। और मेरा और इसके पापा का गिफ्ट अभी पेंडिंग है क्योंकि हम लोगों ने अमेजोन से मंगाया है, ऑर्डर किया है, 19 को आएगा। हाँ, तो जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। खैर, कुल मिला के अच्छे से हो गया, सिंपल सामने किया, पूरी फैमिली मिल के सब इंजॉय किया, हंसी मजाक किया। एक मस्त सा खिलौना मंगा रहे, उसका नाम कैप्टन अमेरिका शील्ड गन है, बहुत मस्त। हाँ, तो जो आएगा तो जब आएगा ना तुम सबको दिखाना, ठीक है? ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी सबको खाना खिला दिए, सब अपने रूम में चले गए हैं सोने के लिए क्योंकि सब थक गए हैं। और अब मैं भी ऊपर आ गई हूँ, मैं तो अभी फ्रेश होके सोऊंगी। आप मुझे ना ये बहुत बर्थडे विश करने का बर्थडे, ठीक है? कर देना भाई। आज पापा का ऐसा टीका लग गया कि एकदम पंडित जैसे लग रहे थे, बताएं सच्ची का। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग जी भर के कमेंट करना कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कितना लाइक चाहिए तुम्हारे बर्थडे की वीडियो में? लाइक दे दो 3000 भाई, बच्चे बोल रहे दे देना, ठीक है? तो अब मैं अपने ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।